सुप्रभात बच्चों, आज मैं व्याकरण में आपको वचन पढ़ाऊंगी। वचन, इसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। वचन के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब वो एक है या बहुत सारी है उसको हम वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक एक है और इसका बहुवचन होगा पुस्तके। हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं, पहला एकवचन, दूसरा बहुवचन। एकवचन शब्द का वह रूप जिससे संख्या में एक होने का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। जैसे गाय चरती है, लड़का पढ़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। वाक्य में हमें जिससे उसके संख्या में एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे गाय चरती है, यहाँ एक गाय है, लड़का पढ़ रहा है, यहाँ एक लड़का है, घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में घोड़ा एक है इसलिए यहाँ पर एक वचन है। जैसे बच्चा खेल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, इन सब वाक्यों से ये पता चलता है कि यहाँ पर एक वचन है। बहुवचन शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहु से ही समझ में आ जाता है कि बहुत सा। जैसे गायें चर रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ पर गायें बहुत सी हैं, बहुवचन। लड़के पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, इसलिए वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। वचन की पहचान, वचन की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये वाक्य एक वचन है या बहुवचन है। सामान्यतः शब्दों की रूप रचना से ही उनके एक वचन अथवा बहुवचन होने का पता चलता है। परंतु कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी रूप रचना एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रहती है। ऐसे शब्दों में वचन की पहचान वाक्यों में प्रयोग करने पर होती है। इन शब्दों के वचन का निर्धारण निम्न तीन नियमों की सहायता से होता है। सामान्यतः हम शब्दों की रूप रचना से ही समझ जाते हैं कि यह एक वचन है या बहुवचन है, लेकिन कभी कभी वाक्य में ऐसे शब्द भी आते हैं कि वाक्यों में वचन की पहचान वाक्यों में प्रयोग करने पर होती है। इन शब्दों के वचन का निर्धारण निम्न तीन नियमों की सहायता से होता है। जैसे पहला, संज्ञा की रूप रचना द्वारा। हम संज्ञा की रूप रचना द्वारा ये जानते हैं कि वाक्य में एक वचन है या बहुवचन का प्रयोग हुआ है। संज्ञा की रूप रचना से वचन की पहचान सरलता से हो जाती है। जैसे बच्चा खेल रहा है, यहाँ बच्चा संज्ञा शब्द है, बच्चे खेल रहे हैं ये बहुवचन है। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तकें मेज पर रखी है, पुस्तकें बहुवचन, पुस्तक एकवचन। इन वाक्यों में बच्चा तथा पुस्तक शब्द से एकवचन और बच्चे तथा पुस्तकें शब्दों से बहुवचन का बोध हो रहा है। यह पता चल रहा है कि बच्चा एकवचन है और बच्चे बहुवचन है। सर्वनाम की रूप रचना द्वारा। अब हम सर्वनाम की रूप रचना के द्वारा ये जानेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, इसकी रूप रचना के द्वारा वचन की पहचान आसानी से की जा सकती है। जैसे वह बाजार गया, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। वे बाजार गए, वे सर्वनाम है, वह एक वचन, वे बहुवचन। मैं आम खा रहा हूँ, हम आम खा रहे हैं, मैं एक वचन, हम बहुवचन। क्रिया की रूप रचना द्वारा। क्रिया एक विकारी शब्द है, इसकी रूप रचना के द्वारा वचन की पहचान की जा सकती है। जैसे फूल खिला है, खिला है शब्द क्रिया है, फूल खिले हैं शब्द क्रिया है और बहुवचन है। हाथी आ रहा है, एक हाथी आ रहा है,
या बहुत सारे हाथी आ रहे हैं तो हम कहेंगे हाथी आ रहे हैं, और हाथी आ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक हाथी आ रहा है। वाक्य से ही समझ में आ जा रहा है कि हाथी एक है, हाथी आ रहा है, हाथी आ रहे हैं बहुवचन। इन वाक्यों में खिला है तथा रहा है शब्दों से एक वचन, और खिले हैं तथा रहे हैं शब्दों से बहुवचन का बोध हो रहा है। संज्ञा शब्दों में वचन परिवर्तन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ को ए में बदलकर। दावत, दावते, यहां पर अकारांत दावत, दावते। साइकिल, साइकिलें बहुवचन। गेंद एक वचन, गेंदे बहुवचन। राह एक वचन, राहें बहुवचन। आंख एक वचन, आंखें बहुवचन। बहन एक वचन, बहने बहुवचन। भैंस एक वचन, भैंसे बहुवचन। आदत एक वचन, आदतें बहुत वचन। दुकान एक वचन, दुकाने बहुवचन। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ को आय में बदलकर। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ को आय में बदलकर। सभा, आकारांत शब्द इसमें हमने आय प्रत्यय लगाया। सभा सभाएं। गायिका गायिकाएं। लेखिका लेखिकाएं। विधवा विधवाएं। कन्या कन्याएं। योजना योजनाएं। कविता कविताएं। शाखा शाखाएं। अध्यापिका अध्यापिकाएं। तीसरा, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर। लिपि एक वचन, लिपियां। शक्ति शक्तियां। रीति रीतियां। तिथि तिथियां। विधि विधियां। ध्वनि ध्वनियां। पंक्ति पंक्तियां। जाति जातियां। प्रति प्रतियां। चौथा, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई के स्थान पर ईया जोड़कर। बड़ी के स्थान पर ईया शब्द को जोड़ करके। नाली नालियां। साड़ी साड़ियां। बिजली बिजलियां। नदी नदियां। जाली जालियां। बस्ती बस्तियां। नारी नारियां। ताली तालियां। सहेली सहेलियां। अब हम आपको बता रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या को या में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। एक वचन है बिटिया, बहुवचन बिटियां। डिबिया डिबियां। कुतिया कुतियां। खटिया खटियां। कुटिया कुटियां। चिड़िया चिड़ियां। चूहिया चूहियां। बुढ़िया बुढ़िया। बुढ़िया बुढ़िया। एक वचन शब्दों में जन गण वर्ग वृंद जोड़कर। जैसे हम गुरु को गुरुजन, शिक्षक शिक्षक वर्ग, मुनि मुनिजन, पक्षी पक्षी वृंद, अध्यापक अध्यापक वर्ग, मजदूर मजदूर वर्ग, अतिथि अतिथि गण, नेता नेतागण, श्रोता श्रोतागण। हमने इन शब्दों में जन गण वर्ग और वृंद जोड़कर बहुवचन बताया है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें। आदरणीय व्यक्ति के साथ सदैव एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे माताजी खाना बना रही है, ये वाक्य गलत है, अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा माताजी खाना बना रही हैं। यहाँ रही हैं बहुवचन है, लेकिन माताजी एक वचन है। इनको हम सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये वाक्य यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है और ये वाक्य शुद्ध होगा। इसी प्रकार से पिताजी ऑफिस से आ गए हैं। आपको सुनने में कैसा लग रहा है कि पिताजी ऑफिस से आ गए हैं? यहाँ पर हमने उनको सम्मान देने के लिए हैं बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा, बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी एक वचन मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों से कहा हम कक्षा में आ रहे हैं। अध्यापक एक वचन है, लेकिन
यहाँ पर इन्होंने हम का प्रयोग किया है, जबकि हम बहुवचन है। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे घी, दूध, सत्य, आकाश, जनता, वर्षा, पानी आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, केश, श्रोता, हस्ताक्षर, समाचार, आंसू, दर्शक, होश आदि। धन्यवाद बच्चों, अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको कर लीजिएगा।